हेलो फ्रेंड, अगर आपके भी फ़ोन में कॉल आने के बाद फ्रेंड यहाँ पे इंटरनेट बंद हो जाता है, तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आप इस सोल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रेंड जब हम गेम खेलते रहते हैं, पबजी या फ्री फायर कोई भी गेम को खेलते रहते हैं, और फ्रेंड वहां पे किसी का कॉल आ जाता है, तो फ्रेंड वहां पे मेरा नेट बंद हो जाता है, और फ्रेंड वहां पे नेट बंद होने के कारण फ्रेंड वहां से गेम में फ्रेंड प्रॉब्लम हो जाता है। अगर फ्रेंड आपका भी कुछ इस तरह से समस्या है तो फ्रेंड इस वीडियो को आपको कंटिन्यू देखना है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फ्रेंड कि कॉल आने के बाद फ्रेंड आपका नेट क्यों बंद हो जाता है और फ्रेंड उसे किस तरह से ऑन करना है। तो फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देनी है। तो फ्रेंड बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के समस्या को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क। और फ्रेंड यहाँ पे देख रहे हैं मेरा लिखा हुआ है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क। आपको फ्रेंड सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, और फ्रेंड आपके सामने यहाँ पे जितना भी सिम कार्ड लगा होगा आपके फ़ोन में वो सिम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि फ्रेंड देख रहे हैं यहाँ पे मेरे में एक एयरटेल का सिम लगा है और एक जियो का सिम लगा है। और फ्रेंड जिस सिम में भी आपका कॉल आने के बाद नेट बंद हो जाता है तो फ्रेंड आपको वही सिम को सेलेक्ट करना है। जैसे फ्रेंड मेरा एयरटेल में फ्रेंड ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो फ्रेंड आपको जिस सिम में भी ये समस्या आ रहा है आपको वो सिम को सेलेक्ट करना है। और फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं टर्न ऑन। अगर फ्रेंड आपका ये टर्न ऑन यहाँ पे ऑफ है कुछ इस तरह से, तो फ्रेंड आपको यहाँ पे इसे आपको अगर फ्रेंड आपका यहाँ पे टर्न ऑन ऑफ है तो फ्रेंड इसको ऑन कर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है फ्रेंड यूज वोल्टी। तो अगर आपका फ्रेंड यहाँ पे यूज वोल्टी ऑफ है तो इसको भी ऑन कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड इसके कारण भी आपके फ़ोन में नेटवर्क आना बंद हो जाता है कॉल आने के बाद। उसके बाद फ्रेंड आपको एक और सेटिंग करना है अपने मोबाइल में। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है फ्रेंड प्रीफेड नेटवर्क टाइप, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे फ्रेंड देख रहे हैं लिखा हुआ है प्रीफेड LTE। आपको फ्रेंड अपने फ़ोन में यहाँ पे प्रीफेड LTE सेलेक्ट करना है। अगर फ्रेंड आपके फ़ोन में प्रीफेड LTE नहीं आ रहा है, सिर्फ LTE आ रहा है, तो आपको फ्रेंड अपने फ़ोन में LTE को सेलेक्ट करना है, और फ्रेंड आपका फ़ोन में फ्रेंड इसी तरह से नेटवर्क आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड यही था एक छोटा सा सेटिंग जिसके कारण फ्रेंड आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है कॉल आने के बाद। तो फ्रेंड आपको ये सारे सेटिंग को अपने फ़ोन में मिला लेना है, और फ्रेंड जो जो सेटिंग ऑफ होगा उसे ऑन कर लेना है। तो फ्रेंड इसी तरह से आप भी अपने फ़ोन में कॉल आने के बाद इंटरनेट का मज़ा ले सकते हैं। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से अपने फ़ोन में कॉल आने के बाद इंटरनेट को यूज किया जाता है और कोई भी गेम को प्ले करके इंजॉय किया जाता है। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।